आज आपको इस देश की राजनीतिक हकीकत से रूबरू करवाएगा समाचार टुडे। रात का वक्त था, करीब 2 बज रहे होंगे। देश की राजधानी दिल्ली से महज 120 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर जा पहुंची समाचार टुडे की टीम। हम जानना चाहते थे कि राजनीति को लेकर मुजफ्फरनगर में क्या बातें हो रही हैं। चुनावी माहौल है तो चर्चाएं गर्म होंगी, और फिर उसके बाद हमें दिखाई दी एक चाय की दुकान। हम चाय की दुकान पर पहुंचे, लोगों से बात की। लोगों की बातें हैरान करने वाली थी। ऐसा लग रहा था नेताओं के सताए देश में हम आ पहुंचे हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे थे लोग। उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक माहौल है, और राजनीतिक माहौल के मिजाज को जानने के लिए समाचार टुडे रात में सड़कों पर है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या सोचती है। उत्तर प्रदेश में अब तक जो कुछ भी हुआ, क्या जनता उससे संतुष्ट है? क्या आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर से ठगी जाएगी, या फिर वाकई में वो अपना प्रतिनिधि चुनेगी, सही प्रतिनिधि चुनेगी जो विधानसभा में जाकर उनके हक की बात करेगा? एक चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, ये बताओ आपकी बार कैसी सरकार आप चाहते हैं? उत्तर क्या सरकार अखिलेश की चाहते हैं? अखिलेश ने विकास किया है जी, बहुत विकास किया है, और उन्हें अच्छा काम करा है। लोग कहते हैं कि गुंडा राज बहुत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं बढ़ा गुंडा राज, तो बस नेता लोगों ने बढ़ा रखा है, जिनकी इधर से मान दो के इधर से इधर करना, इधर से इधर करना, सारा राजनीति का खेल है, तो राजनीति चलती रहेगी। अच्छा, एक बार बताओ, अखिलेश और राहुल गांधी अब एक साथ आ गए, अब क्या बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश में आपके? इससे एक तो समाज सेवा बढ़िया हो जाएगी, और दोनों कुल मिला के संगठ सही चलेगा, गठबंधन इनका, मतलब गठबंधन सही चलेगा। लोगों को भी उम्मीद है कि गठबंधन सही चलेगा। शहजाद भाई हमारे साथ। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं ज़्यादा जानकारी कर देंगे ना, यार कुछ जानकारी है नहीं बारे में, लगता नहीं बात जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ और हमारे साथ मित्र हमारे मौजूद हैं। चाय पीते पीते सो गए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई यार, हमारे पर नहीं बोला जाने का, हम तो घास खोदने वाले आदमी। भाई साहब, क्या हो गया, वोट तो आप भी दोगे ना? हमें इस बारे में पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? आप इस देश के नागरिक हो भाई साहब, आपको पता होना चाहिए आपका विधायक कौन है। लेकिन हमें पार्टी पूर्टी के बारे में नहीं पता है। तो आपको पता ही नहीं इतने सालों से आप किसको वोट दे रहे हो, कौन सरकार में है? वो ठीक है जो वोट दे रहे, लेकिन इस बारे में चुनाव चुनाव के बारे में नहीं हमें पता है। इस चीज़ में मतलब कौन बढ़िया कौन खराब, हम तो गांव के आदमी। गांव के आदमियों को क्या ऐसा होता है कि बताया नहीं जाता? आप लोग हमेशा ऐसे ही होता रहा। बताया जाए, जहाँ से जो बड़े बूढ़े हों घर के जो जहाँ वे कह दें वहीं से देनी पड़े। आपको नहीं पता इसका मतलब? आपका नाम क्या भाई साहब? माय नेम इज सुंदरलाल सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आप बताइए कैसी सरकार होनी चाहिए उत्तर प्रदेश? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों की हेल्प करे, गरीबों की मदद करे। कोई भी सरकार गरीबों की मदद नहीं करती, अब कौन सी सरकार मदद करेगी? आने वाली सरकार बेहतरीन बनेगी। अच्छा, क्या आप वोट डालते हैं? यस। आपको पता है चुनाव क्या होता है? हाँ यस। ये अभी आपके साथी थे, बोल रहे थे चुनाव नहीं पता, हमें नहीं पता कौन है। चले ग्रामीण आदमी है, ऐसा है कि जो सिटी के आदमी है वे थोड़ा होशियार होते हैं, गांव के लड़के सीधे साधे होते हैं। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अगर सिटी के लोग होशियार हो गए, गांव के लोग कमज़ोर रह गए, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार है। सही बात है, सरकारी जिम्मेदारी। अगर सरकार साक्षरता का अभियान ग्रामीणों तक, ग्रामीण इलाकों तक चला देती तो शायद यह हालत नहीं होती। आजकल लोगों को चुनाव के बारे में नहीं पता होता। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी। मैं तो गांव का रहने वाला भाई साहब, बाहर हो गई थी जाए मारो रुक रहा, कोई मालूम नहीं है मतलब। आपको भी नहीं मालूम? आपको भी नहीं पता विधायक? नहीं, विधायक तो है, पता तो है जी, मतलब गांव के रहने वाले ना हम, तो बाहर हो गई थी यहाँ रुक रहे हैं वैसे मतलब। अच्छा, नहीं क्या होता है कि आपको ये नहीं पता कि चुनाव के वक्त आते हैं? नेता के बारे में सब पता जी, मतलब बड़े वालों को पता ना, हमारे तो सब जो बड़े हैं ना उन्हें पता है। वोट डालते हैं आप लोग? हाँ, क्यों नहीं जी, वोट डालते हैं जी। तो वोट क्या सोच समझ कर डालते हैं, किसे आप डालने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सोच समझ के डाले जी। चुनाव के बारे में लेकिन आपको नहीं पता? ना ऐसे बारे में नहीं पता। तो हकीकत है देश की, आप समझना कुछ चाहें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आधा देश बहुत पीछे रह चुका है, आधे देश को आगे लेकर आना है। सवाल है कि कौन सी सरकार इस दिशा में अपना कदम उठाएगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे। We'll be right back.
एक तरफ जनता अपनी बदहाली की कहानी हमें बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ हमें चौराहे पर ही दिखाई दी एम्बुलेंस और पुलिस की जीप की मुस्तैदी। अच्छा लग रहा था कि पुलिस और एम्बुलेंस चौराहे पर मौजूद हैं, सुविधाएं जनता को मिल रही हैं, लेकिन सवाल भी कई थे। चुनाव माहौल है शायद, इसीलिए एम्बुलेंस और पुलिस मुस्तैद तो नहीं। रात के 2:30 बजे इस वक्त पुलिस मुस्तैद है, इस गाड़ी की लाइट बता रही है कि पुलिस अपनी मुस्तैदी पर है और चारों तरफ राउंड लगाए जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो इसके लिए पुलिस पूरे तरीके से तैयार है। माना जाता है मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील इलाका है, कोई भी घटना यहाँ पर जल्दी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर मुस्तैदी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ पुलिस की जीप है, लेकिन अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे दूसरी तरफ है 108 एम्बुलेंस सेवा, सहायता के लिए 108 पर कॉल करें तो कह सकते हैं कि हाँ सुविधाएं अब इस देश में मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि वक्त कौन सा है, चुनाव का वक्त है तो सवाल खड़ा होगा। लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है जब पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस दोनों आपके चौराहे पर मौजूद हैं, कभी भी कुछ भी हो उसके लिए वो लोग तैयार हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी। रात में रिक्शा चालक चाय की चुस्कियां ले रहे थे, अपनी किस्मत को कोस रहे थे। सालों से वोट देने के बाद भी कुछ हासिल न होने का मलाल था उन्हें। आप भी सुनिए। रात के लगभग 2:30 से 3 के बीच का समय हो रहा है और रात के इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल चौकों पर हो क्या रहा है, चौक चौराहों पर, क्योंकि इस वक्त चुनाव की बात हो गई, चुनाव का समय नज़दीक है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी अब साथ आ गए हैं, ऐसे में चुनावी बातें होना तय है। हम यही जानने निकले हैं कि लोग आखिरकार क्या कुछ बात कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर अब आने वाले चुनाव में जनता अपना प्रतिनिधि, अपना विधायक चुनने वाली है और अपना मुख्यमंत्री चुनने वाली है। आगे एक चाय की दुकान हमें दिखाई दे रही है, इसी चाय की दुकान की तरफ बढ़ेंगे। अपने सीधी तरफ देखूँ तो यहाँ पर कुछ दुकानें हैं वो बंद हैं, बंद पड़ी हैं। और देखें इस रोड पर, अगर हम देखें रुड़की जाने वाला ये रास्ता है पूरा, इस रोड की जाने वाले रास्ते पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं। अगर इस चाय की दुकान पर नज़र डालें जिसकी तरफ हम चल रहे हैं अभी, इस चाय की दुकान पर कुछ रिक्शा चालक बैठे हुए हैं, चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। सर्दी है, चाय पियेंगे, लुत्फ हो सकता है इनके लिए चाय, इसीलिए क्योंकि इनके लिए चाय ही हर वक्त ज़रूरी होती है। एक शख्स खड़े हैं, एक रिक्शे वाले हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। जगपाल भाई चुनाव आ गए हैं, पता है आपको? हाँ ये पता है। क्या करने वाले हैं आपकी बात? भाई जी हम तो वोट अपना उसको देंगे, अपना वोट डाल देंगे बस। हाँ काम तो हमारा कुछ होता ही नहीं, कोई सी भी सरकार से नहीं हुआ आज तक। हर बार वोट डाल दिया आपने? जी। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? बस जब से वोट बनी थी जब से वोट डाल रहे हैं। तो इतने सालों से आप वोट डालते रहे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला? अभी तो बस वोट मकान के लिए भी बोलते हैं, मकान नहीं बन पाता, छत टूटी पड़ी मकान की, वो अब तक नहीं बन पाई। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हो, कितना कमा लेते हैं? मैं फ़िलहाल तो जब से बैटरी वाले रिक्शे चले हैं यही 100-125 रुपए से फालतू बनता ही नहीं। अच्छा नहीं लगता कि हर बार आपका जो वोट आप डालते हो उसे ख़राब कर ले रहे हो अपना? नहीं जी बस ऐसे लग रहा है आपके तो आपके भी हर बार, मतलब लग रहा है कि इस बार भी वही होने वाला है कि बस वोट डाल देना है मैंने, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलना। नहीं हमें तो ऐसा ही लग रहा है जी बस। हकीकत दरअसल ये देश की हो गई है, ये जो बता रहे हैं वो सच है। हमने बहुत सालों से वोट डालने वाले लोगों को देखा है, लेकिन उसका फ़ायदा उन लोगों को मिल पाया नहीं मिल पाया ये बहुत दूर की बात है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ खड़े थे, क्या नाम बताया था आपने अपना? जगपाल सिंह वाकई में परेशान है, कह रहे हैं हर बार वोट डाला और इस बार भी मुझे लगता है सिर्फ ऐसा ही होगा, वोट ले लिया जाएगा उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ और छत्रपाल भाई आप थोड़ा सा इधर आइए, मैं और मित्रों से भी बात कर लूँ। भाई सब क्या नाम है आपका? आ जाओ ना आप भी बात कर लो ना। क्या नाम क्या? किशन पाल जी। किशन पाल भाई क्या कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? वोट तो काफ़ी टाइम से डाल लीजिए, कम से कम क्या मिला आपको वोट के बदले में? बस कुछ नहीं मिला जी, बस वही अपना कर रहे खा रहे और आशा वो भी गया। जब से कितने साल हो गए?
ये तो ऐसे ही हो गया जी, ऊपर वाला वोट डाल रहा 30-35 साल से ऊपर हो गए। 30-35 साल से वोट डाल रहे हो और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या उम्मीद क्या थी मिलने की? अजी अपने तो उम्मीद कभी करी नहीं सरकार से कोई से भी। वादे तो बहुत हुए। हाँ कितने वादे हुए? वादे तो करी रही सरकार, पर भाई मजदूर आदमी को कोई लाभ नहीं है जी फिलहाल तो। ये कोई जी सरकार में एक तबका ऐसा भी है जो वाकई में बेहद परेशान है, उसे उम्मीद है विकास की, लेकिन विकास होगा कब इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। आपका नाम क्या बाबा जी? करम सिंह जी, कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? हैं जी, हमारा वोट तो काट दिया। हाँ जी काट दिया हमारा वोट। क्यों काट दिया? अरे कट गया गाँव में। मतलब आपके पास वोटर आई कार्ड ही नहीं है? ना तो कितने सालों से वोट नहीं डाल रहे हैं? हम 2-3 साल हो। 3 साल से वोट ही नहीं डाल रहे? तीन काट दियो हमारी तो। कोई बनाता ही नहीं? नहीं बनाता ही नहीं, ना पहचान पत्र बनावा ना कुछ बनावा, ना राशन कार्ड बनावा, ना कुछ भी नहीं बनाते हम तो सड़क पर पड़े। आप गए अधिकारियों के पास, आपने अपने विधायक साहब से मिले? नुको तुम्हारा है ही नहीं वोट, हमें साफ बात कहो जो कहनी। दुख की बात है, जिस देश में मतदान होता है, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाता है, इसे एक त्यौहार कहा जाता है, उस त्यौहार को मनाने के लिए लोगों के पास अपना पहचान पत्र ही नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। आपकी उम्र क्या है बाबा जी? हमारी तो अब जा होगी 60 साल। 60 साल हो गई और अब आप तरस रहे हैं कि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड हो, आप ये बता पाए हाँ भाई मैं हिंदुस्तान का। कोई दफ्तर पर जाओ कोई नहीं बनवाता कुछ भी। पहले था आपके पास? पहले था, अब बस अब बनता ही नहीं, अब नहीं कट गई तुम्हारी वोट। मतलब नाम काट दिया गया? मतलब ये दिखा दिया गया होगा कि अब ये मतदाता नहीं है। सवाल है कि हर बार वोट देने वाला मतदाता क्यों ठका जाता है? कुछ और हैं जिनसे बात करेंगे। बाबा आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद इलियास। अच्छा कितने साल से वोट डाल रहे हो? वोट डालते हैं कुछ 30 साल से। 30 साल से क्या कुछ मिला वोट के बदले में आपको? गरीब आदमी को मिल के आ रहा है, पहले तो नेता जी बस इलेक्शन का टाइम तो नेता ही नेता दिखाई देवे, और वोट मिलने के बाद कौन नेता किसी की सुनना, गरीब जहाँ है वो वहीं का वहीं रहता। वादे तो बहुत सारे हुए होंगे आपसे? वादे तो हर कोई करता है, लेकिन सुनता कौन है किसी की? आपकी बार क्या लग रहा है? आपकी बार भी वैसा ही होगा जैसा इतने सालों से होता रहा, 30 सालों से? हमारे दरमियान तो जैसा शुरू से होता आ रहा बस ऐसा ही आगे रहेगा, बदलाव क्या आएगा? कोई उम्मीद नहीं? नहीं कोई उम्मीद नहीं। इस देश के लोग इतना थक चुके हैं कि अब उन्हें अपने देश में बदलाव की भी उम्मीद नहीं। उन्हें पता है कि उतने सालों से ठगे जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। उन्हें एक बार फिर यही लग रहा है कि वो एक बार फिर ठगे जाएंगे, कोई उनका विकास करने नहीं आएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है, राजनेताओं को ये समझना होगा कि अपना खोया हुआ विश्वास वो कैसे लौटा पाएंगे, जनता कैसे उन पर भरोसा कर पाएगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, समाचार टुडे।